नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में तेंदुआ शिकार मामले के दो अन्य आरोपी गिरफ्तार। उमरिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत विगत दिनों हुए तेंदुआ शिकार मामले के दो अन्य आरोपियों को भी वन विकास निगम की टीम ने ग्राम तखतपुर निवासी आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वही चार शिकारियों ने मिलकर जंगली जानवरों के रास्ते में फंदा लगाया हुआ था, जिसमें तेंदुआ आकर फंस गया। उसी दौरान शिकारियों ने कुल्हाड़ी से तेंदुए की गर्दन पर हमला कर दिया और तेंदुए का सिर धड़ से अलग हो गया, जहां उसकी मौत हो गई। वही शिकारियों ने तेंदुए के कटे हुए सिर को गड्ढा खोद कर छुपा दिया एवं मौके से फरार हो गए। जहां मुखबिर की सूचना पर एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने चार आरोपियों में एक आरोपी हल्कू बैगा को पहले गिरफ्तार कर लिया था एवं दो अन्य आरोपी सुनील बैगा एवं मुकेश बैगा की गिरफ्तारी की गई है एवं फरार आरोपी राम फल बैगा की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की डॉक्टर द्वारा MLC कराकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला जेल के लिए भेजा गया है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। दो शिकारियों को गिरफ्तार करके फॉरेस्ट की टीम आई थी हमारे पास। ये क्या होता है, जब इनको कोर्ट में या उसके लिए पुलिस कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं अग्रिम या तो जेल का जो वारंट इश्यू होता है उसके पहले इनकी फिटनेस के लिए लाए जाते हैं कि आरोपी पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं, तो उनकी जानकारी हम लेते हैं। बीपी और पुरानी इसी लेते हैं, क्रॉनिक डिजीज की, टीबी, अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या पुरानी कोई दवाई चलती है तो अपने साथ रखें, या फिर हम उनको उसके आधार पे उनका परीक्षण करके आगे के लिए सौंप देते हैं पुलिस। क्योंकि दोनों क्लिनिकली दोनों स्वस्थ पाए गए हैं, बीच में कबूल भी दोनों ने किया कोई दवाइयां नहीं चलती पुरानी, हम फिट है पूरी तरह। उनको भी इस बात के लिए एजुकेट किया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए कि वो लोग इस तरह के शिकार की गतिविधियों में संलिप्त ना हो, क्योंकि एक बार अगर इस मामले में वो पकड़े गए तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है और बड़ी मुश्किलें होती हैं। कई बार हमारी यूं कहें कि हमारी चूक की वजह से अगर हम बहुत मुस्तैद नहीं होते हैं तो इस तरह की ये वारदातें होती रहती हैं और ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। हम ये जानते हैं कि हमारे इस जिले की जो इकोनॉमी है वो हमारा नेशनल पार्क है उसकी वजह से बहुत समृद्ध रहती है, बड़े पैमाने पर टूरिस्ट दुनिया के लोग यहाँ पर देखने में आते हैं और अगर वाइल्ड लाइफ के साथ में उनके जीवन के साथ में इस तरह का संकट गहराता जाएगा तो मुझे लगता है कि ये भी ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ ये नाम के लिए पार्क हो जाएगा, यहाँ पर जानवर फिर बच नहीं पाएंगे। तो आज बहुत बड़ी जरूरत है सरकार और समाज के साझा प्रयास के साथ में, ताकि हम अपने वन्य प्राणियों की उनके जीवन की रक्षा कर सकें। और यह विगत दिवस तेंदुए का अवैध शिकार का प्रकरण हुआ था, उसमें एक अपराधी पहले पकड़ा जा करके उसको कोर्ट चालान किया गया है और अभी दो अपराधियों को और पकड़ा गया है और उनको भी MLC वगैरह कर रहे हैं और नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।